चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स पर। ये एग्जाम्पल बेस्ड है जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी प्रीमियम पर शेयर इशू कर रही है। जब कंपनी कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेती है उसे हम प्रीमियम कहते हैं। इसे कैसे करना है, ये क्वेश्चन कैसा होगा, कैसे दिया होगा, क्या इन्फॉर्मेशन दी होंगी, इसे कैसे सॉल्व करना होगा, ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ ये एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें दिया है ऑथराइज्ड शेयर्स, नॉमिनल शेयर्स और रजिस्टर्ड शेयर्स 20,000। ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है। फिर आगे दिया है इशूड शेयर्स 10,000। अभी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। फिर आगे दिया है वैल्यू ऑफ पर शेयर 10, प्रीमियम पर शेयर 3। तो ये 3 कंपनी पब्लिक से जिनको शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, जिन लोगों को, उनसे कंपनी 3 पर शेयर के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे लेती है। 3 पर शेयर अगर हम देखें तो जैसे इशू किए हैं 10,000, 3 पर शेयर के हिसाब से हो जाता है 30,000। तो कंपनी ने पब्लिक से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं। तो जो ये पैसा कंपनी लेती है इसके डिफरेंट तरह से कंपनी यूज़ कर सकती है, कंपनी उसे कैसे यूज़ कर सकती है, वो एक तरह का थ्योरेटिकल पॉइंट है। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली हम प्रीमियम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके आगे दिया है एप्लीकेशन 3 पर शेयर और उसमें यहाँ लिखा है 2+1। तो यहाँ लिखा है 2+1, ये जो 1 है ये प्रीमियम है। फिर आगे लिखा है अलॉटमेंट 5 का और यहाँ लिखा है 3+2, ये 2 जो है प्रीमियम है। ये 1 भी प्रीमियम है एप्लीकेशन पे और 2 भी ये प्रीमियम का अमाउंट है। टोटल ये प्रीमियम हुआ है 1 और 2 दोनों मिला लें तो ये इज इक्वल टू दिस, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तो मैंने सिंपली लिख दिया है 2+1 और यहाँ मैंने अभी डिफाइन नहीं किया है कि ये प्रीमियम है, लेकिन मैंने आपको वर्बल बता दिया है कि ये 1 प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे ये 2 प्रीमियम है। आपको क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइन किया होगा कि ये प्रीमियम कितना एप्लीकेशन पर है, कितना अलॉटमेंट पे है, ये आपको क्लियरली बताया हुआ होगा। फिर आगे दिया है फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 3 पर शेयर। एप्लीकेशन 3 जिसमें लिखा है 2+1, 1 का प्रीमियम, अलॉटमेंट 5 जिसमें 2 का प्रीमियम और फर्स्ट कॉल 2 और सेकेंड कॉल 3। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में आपको प्रीमियम ये कैसे लिखा होगा। मैंने तो आपको ये वर्बल बता दिया कि ये 1 प्रीमियम है एप्लीकेशन पे और 2 अलॉटमेंट पे प्रीमियम है। आपको ऐसे ही वैल्यू दी होगी जैसे लिखा है 3 और ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, ऐसे नहीं लिखा होगा 2+1, आपको लिखा होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। तो अंडरस्टूड है कि अगर 1 प्रीमियम है तो बाकी जो बचा है 2, ये 2 इस 10 का पार्ट है, ये 1 इस 3 का पार्ट है और ये 2 इस 10 का पार्ट है। तो आपको इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 लिखा होगा और ऐसे ही अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 जैसे 5 दिया है और यहाँ लिखा है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, तो बैलेंस बचेगा 3। तो उसका मतलब हुआ 2 आपका इस 3 का पार्ट है और ये जो 3 बैलेंस है इस 5 में से, ये 2 लेस करके प्रीमियम वाला, ये 3 बचा, 3 जो है ये इस 10 का पार्ट है। कभी कभी फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अलॉटमेंट दिया है 5 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दें इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई प्रीमियम नहीं है, एप्लीकेशन जितना दिया है उतना ही दिया होगा ऐसे, और अलॉटमेंट पे मान लो लिखा है
एक अलॉटमेंट है 5 का और प्रीमियम के लिए लिखा है, बस ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब होगा है पूरा 3 जो है अलॉटमेंट पर है, एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं है, तो पूरा 3 अलॉटमेंट पे है, तो ये प्रीमियम 3 हो जाएगा, तो बैलेंस कितना बचेगा 2, 3 ये प्रीमियम हो जाएगा और 2 जो है इस 10 का पार्ट हो जाएगा। तो जनरली जैसे मैंने तो यहाँ ब्रेकअप दे दिए 1 और 2 के, लेकिन जनरली प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही दिया होता है और सारा प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही होता है, वो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फिर यहाँ लिखा है कंपनी इशूड 2000 टू वेंडर एज फुली पेड अप एज परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी। कंपनी ने मशीन खरीदी और जिससे मशीन खरीदी उसको हम कहते हैं वेंडर, उसको कंपनी ने 2000 नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए, एक शेयर है 10 का तो मतलब 20,000 के शेयर दे दिए। फिर आगे लिखा है इशू ऑफ शेयर एक्सपेंसेस 5,000 वॉज फुली रिटर्न ऑफ फ्रॉम शेयर प्रीमियम। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहली एंट्री यहाँ लिखी है मशीनरी डेबिट टू वेंडर, वेंडर वो पर्सन है जिससे हमने मशीन खरीदी है। अगर क्वेश्चन में हम देखें तो ये ट्रांजैक्शन दी है कंपनी इशू 2000 शेयर्स टू वेंडर एज फुली पेड अप एज परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी, तो एंट्री होगी मशीनरी डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो वेंडर वो पर्सन है जिससे हमने मशीनरी खरीदी और उस मशीनरी खरीदने के बदले में हमने उसे 2000 नंबर ऑफ शेयर दे दिए, एक शेयर है 10 का तो हमने उसको 20,000 शेयर्स दे दिए, तो एंट्री हम करेंगे 20,000 के शेयर दे दिए, 2000 नंबर ऑफ शेयर, एक शेयर 10 का है तो ये शेयर हो गए 20,000 के, तो ये शेयर हमने उसको दे दिए, जिसकी एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कभी कभी नाम बताया होता है कि हमने जिससे मशीन खरीदी है नाम बताया है, तो उसका नाम यहाँ लिखना होता है और इसकी नरेशन हो जाएगी फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि हमने जिससे मशीन खरीदी है उसको हमने शेयर्स दिए हैं, तो पहली एंट्री जो है ये मशीन खरीदने की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये मशीन खरीदने की है कि वो मशीन की वैल्यू 20,000 है और हमने उसे 20,000 के शेयर्स दे दिए, तो पहली एंट्री मशीन खरीदने की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। तो जैसा कि मैंने बताया हमने मशीन खरीदी तो पहली एंट्री खरीदने की, और हमने उसको शेयर्स दिए हैं तो शेयर्स देने की मतलब शेयर्स इशू करने की एंट्री हो जाएगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 से। फिर इसकी नरेशन पास करेंगे फॉर द 2,000 शेयर्स इशू टू वेंडर। अब हम आते हैं आगे अपनी नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पूरे 10,000 नंबर ऑफ इशूड शेयर से सॉल्व करना है, ना कि ऑथराइज्ड शेयर्स नॉमिनल या रजिस्टर्ड शेयर्स दिए हैं इससे सॉल्व नहीं करना, इशूड शेयर से सॉल्व करना है। ये 20,000 हमारे ऑथराइज शेयर्स हैं, इसका मतलब है कि कंपनी अपने लाइफ टाइम में 20,000 के शेयर्स इशू कर सकती है, लेकिन अभी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो कंपनी की जो हम ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को वो इस 10,000 से करेंगे, कंपनी की जो एंट्रीज हम पास करेंगे वो इस 10,000 से करेंगे, 10,000 इंटू 3, एप्लीकेशन कितने का है टोटल 3 का, तो कंपनी को मनी रिसीव हुई एप्लीकेशन पे 10,000 इंटू 3, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर एप्लीकेशन के आगे तो यही अमाउंट आ जाएगा, ये 30,000। शेयर कैपिटल के आगे जो ये ब्रेकअप दिया है 2 और 1, मैंने आपको बताया कि प्रीमियम का है, तो 2 जो है इस 10 का पार्ट है, 1 इस प्रीमियम का पार्ट है, तो जो 2 है इस 10 का जो पार्ट है उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2 20,000, 1 का जो प्रीमियम दिया है तो 10,000 इंटू 1 10,000 हो जाएगा।
इसके बाद हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000 जो हमें नंबर ऑफ इशूड शेयर्स दिए इंटू 5, तो ये 50,000 हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू जो ये 3 दिया है उससे शेयर कैपिटल हो जाएगा, और 2 का जो प्रीमियम है 10,000 इंटू 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा 20,000। फिर कंपनी, मैं एक बार फिर बताता हूँ, सबसे पहले हमने एंट्री पास की शेयर एप्लीकेशन की जब मनी रिसीव हुई, और उसमें हमने कुछ पार्ट कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में, और कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, तो प्रीमियम का प्रीमियम में, कैपिटल का कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके कुछ टाइम के बाद कंपनी उनको इन्फॉर्म करती है अपने शेयर होल्डर को कि हमने आपको शेयर्स इशू कर दिए हैं, तो कंपनी उनसे अलॉटमेंट पे कुछ मनी कॉल करती है, एक तो शेयर्स अलॉट कर देती है और बैलेंस का कुछ पार्ट कॉल करती है, मनी ड्यू करती है। तो वो एंट्री नेक्स्ट है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जैसे मैंने बताया कैपिटल में आ जाएगा 10,000 इंटू दिस 3 30,000, फिर 10,000 इंटू 2 का जो प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है 10,000 इंटू 2 20,000, टोटल हो गया 50,000। और कंपनी, जैसा कि मैंने बताया, कंपनी उनको इन्फॉर्म करती है शेयर होल्डर को कि हमने आपको शेयर्स दे दिए हैं, और कंपनी उनसे कुछ बैलेंस मनी कॉल करती है, ये मनी कंपनी कॉल कर रही है 50,000 की। तो एंट्री नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखते हैं तो एंट्री होगी बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 50,000। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कुछ टाइम के बाद कंपनी अलॉटमेंट के कुछ टाइम के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर को कहती है कि कुछ मनी और भेज दो जो ऑलरेडी डिसाइडेड है ये 2 पर शेयर के हिसाब से। तो 20,000, 10,000 इंटू 2 20,000 कंपनी ड्यू करती है, फिर कंपनी को मनी रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। उसके बाद कंपनी सेकेंड कॉल ड्यू करती है, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 3 पर शेयर का सेकेंड कॉल है ये कुछ टाइम के बाद, फर्स्ट कॉल के कुछ टाइम के बाद में कंपनी अपनी ये बैलेंस 3 पर शेयर की डिमांड कर लेती है, और उसे हम सेकेंड कॉल कहते हैं। तो ये एंट्री इसकी होगी शेयर सेकेंड कॉल टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू करने की एंट्री है 3 पर शेयर के हिसाब से 10,000 इंटू 3 30,000, और फिर मनी रिसीव होगी बैंक टू शेयर सेकेंड कॉल 30,000। लास्ट में हमें यहाँ दिया है एक 5,000 के शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, उसकी एंट्री होती है शेयर इशू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 से पास करेंगे, और यहाँ लिखा है राइट ऑफ फ्रॉम शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो कंपनी ने जो ये एक्स्ट्रा मनी ली है पब्लिक से, शेयर होल्डर से, कि ये 10,000 के जो कि एप्लीकेशन पे लिए हैं, और ये 20,000 जो कि अलॉटमेंट पे लिए हैं, टोटल 30,000 लिए हैं, तो कंपनी इसमें से ये 5,000 के एक्सपेंसेस को कवर करेगी, चार्ज करेगी, या ये कहे कि राइट ऑफ करेगी, जिसके लिए एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो पहले हम एक्सपेंसेस की पेमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर इस एक्सपेंसेस को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, या ये कहेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से इसको चार्ज कर लेंगे, राइट ऑफ कर लेंगे, जिसकी एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। तो इसके बाद हमें बनाना है बैंक अकाउंट, और जैसा कि हमने ये एंट्री डिस्कस की, हमने पहले इशू ऑफ शेयर्स एट पार डिस्कस किया था, अभी इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम डिस्कस किया है। सिर्फ जो नया पॉइंट है वो ये एंट्रीज में है, जो हमारी एप्लीकेशन पे हमने जो प्रीमियम की एंट्री की, और अलॉटमेंट पे ये प्रीमियम की जो एंट्री की, ये न्यू पॉइंट है। बाकी एंट्रीज आपकी जैसे पहले होती थी वैसे ही होंगी। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम बैंक अकाउंट कैसे बनाएंगे। चलिए अब हम बनाते हैं बैंक अकाउंट, ये वही एंट्रीज हैं जो हमने डिस्कस की थी, थोड़ा मैंने प्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको सारी बैंक एंट्रीज इसमें दिख सके। तो ये सारी एंट्रीज हैं, इसमें सिर्फ हमें बैंक एंट्रीज देखनी है। जैसे पहली एंट्री है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, जिस एंट्री में बैंक अकाउंट है वो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट है 30,000। फिर नेक्स्ट जो है जिसमें बैंक है, बैंक डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट 50,000। फिर नेक्स्ट जिसमें बैंक है वो है बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 20,000। तो जिसमें डेबिट है, जैसे ये पहली एंट्री में बैंक टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे बैंक अकाउंट के और ऑपोजिट वर्ड लिख देंगे एप्लीकेशन। ऐसे ही अलॉटमेंट का ये डेबिट में है 50,000, यहाँ लिख देंगे टू अलॉटमेंट, यहाँ बैंक डेबिट है 20,000, डेबिट में लिख देंगे 20,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकेंड कॉल का ये है बैंक डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल 20,000, यहाँ डेबिट में लिख देंगे, सॉरी सेकेंड कॉल का ये है 30,000, इसे यहाँ डेबिट में लिख देंगे। तो एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का, जो बैंक एंट्रीज है, बैंक डेबिट है इन चार एंट्रीज में, उसे यहाँ डेबिट में लिख देंगे और ये वर्ड लिख देंगे एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल। फिर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस डेबिट टू बैंक है, यहाँ बैंक क्रेडिट है 5,000, तो हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे माइनस करेंगे क्रेडिट साइड और ये बैलेंस बचेगा, बैलेंस कैरेट डाउन 1,25,000। टोटल डेबिट साइड का है 1,30,000, 5,000 क्रेडिट का लेस करेंगे तो यहाँ बैलेंस बचेगा 1,25,000, इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन और टोटल कर देंगे।